नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजय गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, यानी कि लीकेज ऑफ यूरिन, मूत्र का रिसाव, अनचाहा रिसाव। ये वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे बच्चों में होता है, शुरू में जब बच्चा पैदा होता है या कुछ शुरू के साल। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जब तक टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती। ग्रेजुअली बच्चा सीख जाता है कि कब उसको पेशाब जाना है और कब उसको नहीं जाना है, और उसका लीकेज बंद हो जाता है या रात को जिसको हम नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं वो नहीं होता। हाँ, अगर ये चीज़ बढ़ जाए या 7 साल के बाद भी रहती है तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस इन एडल्ट्स, लेडीज़ में और जेंट्स में, आदमी में और औरतों में, दोनों में ये देखा गया है कि लीकेज ऑफ यूरिन हो सकता है, जो अनचाहा होता है, अनचाहा मूत्र रिसाव। लेकिन विशेष रूप से मैं आज बात करने जा रहा हूँ औरतों में यूरिनरी इनकंटिनेंस की। मुख्य रूप से ये दो तरह से होता है, अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस और स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब क्या है कि जब पेशाब की थैली भर जाती है या उसमें कुछ पेशाब इकट्ठा होने लगता है और पेशाब की थैली अचानक तेज़ी से, या हमें इच्छा हो कि यूरिन जाना है, एक अर्जेंसी होती है, तो बिफोर वी रीच दी लू, हमारे वॉशरूम पहुँचने से पहले अगर वो यूरिन लीक कर जाए तो उसको बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। वेयर एज स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस क्या है, अगर हमारे पेट पे किसी तरह का दबाव पड़े, जैसे खांसी से, अचानक उठने से, छींक से, या कई बार लेडीज जिमिंग करती हैं तो उसमें कुछ प्रेशर पड़ता है, उस दौरान अगर कुछ बूंदें निकल जाएँ तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस। कई बार ये भी देखा गया है कि लेडीज़ में दोनों तरह के फीचर सिम्टम्स होते हैं, मतलब मिक्स्ड यूरिन इनकंटिनेंस बोलते हैं इसको, इसमें अर्ज इनकंटिनेंस भी है और स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस भी है। एक अलग तरह की इनकंटिनेंस और वो बोलती है जिसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ओवरफ्लो इनकंटिनेंस का मतलब होता है कि पेशाब की थैली जब पूर्णतः भर जाए और वो और पेशाब अपने अंदर होल्ड नहीं कर सके, तो कई बार जैसे कि एक बाल्टी छलक जाती है, इस तरह से पेशाब की थैली भी छलक जाती है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। तो जैसे मैंने बताया, मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं अर्ज यूरिन इनकंटिनेंस और स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस की। अर्ज यूरिन इनकंटिनेंस अर्जेंसी के बाद होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि पेशाब की थैली ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जरा सा भी पेशाब भरने पे या जब अर्जेंसी होती है तो वो तुरंत ही इतना जोर मार जाती है कि हमें यूरिन लीक कर जाता है। ये लीकेज ऑफ यूरिन हमारे कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, या वॉशरूम पहुँचने से पहले हमारा लीक हो जाता है। पेशाब की थैली क्यों इतनी सेंसिटिव हो जाती है, इसके कई सारे कारण हैं। या तो उसके अंदर लोकल मतलब थैली के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर सूजन आ जाए जो ज़्यादातर कई बार इन्फेक्शन में होती है, या कोई और बदलाव हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए जो पेशाब की थैली की होती है। कुछ इन्फेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें अर्जेंसी बन जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या कई बार टीबी का इन्फेक्शन होता है, या कुछ और जैसे कोई गांठ उसके अंदर हो जाए, या कोई और चीज़ हो, या कोई इरिटेटिंग चीज़ पड़ी हो। इरिटेटिंग चीज़ का मतलब है जैसे कोई उसके अंदर पथरी भी हो, वो भी उसको अंदर से इरिटेट करेगी, और जब वो इरिटेट होगी तो पेशाब की थैली एकदम जोर मारेगी, तो हमें अर्जेंसी होगी। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये ऐसी अर्जेंसी इन्फेक्शन में होती है, जब इन्फेक्शन के बाद में पेशाब की अंदर की सतह सूज जाती है, जरा सा उसके अंदर पेशाब आएगा तो तुरंत ही वो जोर मारेगी। जोर मारने पे हमें एकदम पेशाब करने की इच्छा होती है, और अगर हम वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाए, इतनी ज़्यादा सूजन है या पेशाब की थैली ने इतना जोर मारा है, तो उसको हम अर्ज इनकंटिनेंस बोलेंगे। ज़्यादातर इस चीज़ को पकड़ने के लिए, जानने के लिए किस कारण से हो रही है, हमें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि पेशाब की जाँच जिसको यूरिन रूटीन और कल्चर बोलते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हमें पेशाब का अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में हम स्पेशली ये देखते हैं कि पेशाब की थैली कितनी भरी हुई है जब पहली फेज़ में, और यूरिन करने के बाद में कितना कहीं रह जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें जानकारी लगती है कि अर्ज इनकंटिनेंस अकेले है या इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो पेशाब की थैली में बदलाव कर रही हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज पे। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन कीटाणु से होता है तो उसकी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हम अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, और ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ मतलब कि पेशाब की थैली जो जोर मार रही है, तेज़ी से वो कर रही है, तो उसको हमें शांत करना है, यानी कि ब्लैडर सेडेटिव देने होते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेशाब की थैली के अंदर जो ये अचानक से जोर उत्पन्न होता है उसको रिलैक्स करती हैं, और साथ ही साथ कई बार हमें ऐसे में वो दवाई भी देनी पड़ती है जो पेशाब की थैली की गर्दन को रिलैक्स करें और पेशाब आराम से हो। तो इन कॉम्बिनेशन को, और ये कॉम्बिनेशन किसको कितना देना है, क्या दवाई देनी है, ये हर एक पे हमें पेशेंट को देख के, उसकी जांचों को देख के तभी एवं दिया जाता है। तो
तो इस तरह से जैसे कि ये अर्ज इनकंटिनेंस का जो इलाज है, ज़्यादातर केसेस में हम इसको दवाइयों से कर सकते हैं। बेसिक जो कॉज है उसका, चाहे वो इन्फेक्शन है, पथरी है या कोई और बीमारी है, उसको दूर करेंगे, साथ में दवाइयाँ देंगे तो ये ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस की। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस कई बार लेडीज़ में बहुत कॉमन होती है मल्टीपल डिलीवरीज के बाद में। क्यों ऐसा होता है कि जो इसमें दो तीन चीज़ होती हैं, जब डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरीज के बाद में, जो अंदर का मस्कुलेचर होता है, मसल्स होती हैं, पेल्विक मस्कुलेचर होता है, वो वीक पड़ जाता है, उसका बाहर से सपोर्ट कम हो जाता है। बाहर से अगर पेशाब की थैली या उसकी जो नली होती है उसको जो कंप्रेस करने का सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो ज़रा सा भी पेट पर जोर पड़ेगा तो वो यूरिन लीक कर सकता है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार एक एंगल का बदलाव हो जाता है। वो एंगल क्या है, पेशाब की थैली और जो उसका बाहर का द्वार है या नली है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, अगर वो थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट होने के बाद में जरा सा दबाव पड़ते ही और मसल्स के वीक होने के कारण से यूरिन लीक कर जाएगा। हमारे ऊपर जो पेट पे प्रेशर पड़ेगा, ये कब का पड़ सकता है, जैसे कि खांसी करने में पड़ सकता है, किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो वो भी जोर लगाएगा, तब हो जाएगा ऐसा। अगर ज़्यादा वीकनेस आ गई है मसल्स की, तो अचानक ही बिस्तर से उठने पर, कुर्सी से उठने पर या जिमिंग करने पर, इन सब में होती है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस को हम कुछ ग्रेड्स में बांटते हैं, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से कितनी ज़्यादा है वो। अर्ली स्टेज पे यानी कि जो ग्रेड वन इनकंटिनेंस है, उसमें हल्की फुल्की कुछ बूंदें लीक करती हैं, वो भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर। लेकिन अगर ये कई बार ऐसा हो जाए कि जरा सा भी पोस्चर चेंज हो, थोड़ा सा भी पेट पे प्रेशर पड़े और यूरिन लीक कर जाए, तो इसको हम हाई ग्रेड बोलते हैं, यानी कि सीवियर यूरिनरी इनकंटिनेंस है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। अब स्ट्रेस इनकंटिनेंस कैसे दूर करा जाए, शुरू में दवाइयों का रोल है, लेकिन वो बिल्कुल शुरुआत की बीमारी में है, जबकि ग्रेड वन इनकंटिनेंस होती है उसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो बाहर के मसल्स को, पेल्विक मसल्स को कुछ स्ट्रेंथ दें, तो वो दवाई शुरू में काम करती हैं, लेकिन ये दवाई लंबे टाइम तक खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर ये दिक्कत बढ़ गई है, नहीं ठीक हो पा रही, तब क्या किया जाए, तब हमें कुछ सर्जिकल ऑप्शन, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में आती हैं। मुख्य रूप से मैं आज एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है टेप सर्जरी। टेप सर्जरी का मतलब होता है कुछ हम ऐसा स्लिंग लगाएं जिससे कि हम पेशाब की थैली और वो जो नली है उसका जो एंगल है, उस एंगल को जो बिगड़ गया था उसको वापस से ठीक करने की कोशिश करें। इसके लिए हमें एक स्लिंग या उसको सपोर्ट देना पड़ता है। वहाँ अगर हम पेशाब की नली पर ऐसा सपोर्ट लगा देंगे तो एंगल वापस से रिक्रिएट हो जाएगा, और जब भी पेट का प्रेशर पड़ेगा तो वो एंगल बन जाएगा, या एंगल ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा है और यूरिन लीक कर जाए। इस सर्जरी को हम ट्रांस ऑपरेटेड टेप सर्जरी बोलते हैं। एक और होती है ट्रांस वजैनल टेप होती है। कुछ और स्लिंग्स हैं जो प्यूबो वजैनल स्लिंग्स, या कई और टेक्निक हैं जो हम पेट के रास्ते से भी कर सकते हैं। मैंने जैसे स्लिंग का बताया, वो कई बार पेट के रास्ते से भी, दूरबीन से भी, दूरबीन विधि से होती है, लेकिन जो ट्रांस ऑपरेटेड टेप का मैंने नाम लिया था अभी, वो हम नीचे के रास्ते से ही, और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। पेशेंट डे केयर में या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, और आगे के इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। तो अब समझने की बात यह है कि कभी भी किसी को भी तकलीफ़ हो, तकलीफ से मतलब कि लीकेज ऑफ यूरिन हो असामान्य रूप से या अनचाहे रूप से, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या होता है कि हम इस चीज़ को दबा जाते हैं, खासतौर से लेडीज़ इस चीज़ को डिस्कस नहीं करती हैं, वो उनको शर्म आती है। तो अगर हम सही टाइम पर या इनिशियल स्टेज में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, तो और बीमारी को पता पड़ जाएगा हमें कि किस वजह से हो रही है। कोई अगर उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन है या कोई और कारण है तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मसल्स वीकनेस की बात है, एंगल चेंज होने की बात है, जो कि हम जांचों से कंफर्म करते हैं, तो उसका अगर अर्ली स्टेज पर आएंगे तो जो भी कोई हम सर्जरी कर रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस मेरा सबसे यह अनुरोध है कि कोई भी अगर इस तरह की बीमारी से, अनचाहे मूत्र हिसाब से, यूरिनरी इनकंटिनेंस से ग्रसित है, तो वो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।